नमस्कार, सीएमएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। यूपी के बुलंदशहर में भाई के साथ शादी समारोह से लूट रही नाबालिग छात्रा का कार सवार बदमाशों ने सरेराह अपहरण कर लिया और विरोध करने पर बदमाशों ने छात्रा के भाई से 20,000 रुपए की नकदी और मोबाइल फोन लूट लिया, साथ ही उसके हाथ पैर बांधकर खेत में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर छात्रा की तलाश शुरू कर दी है और 2 संदिग्धों को हिरासत में लेने का दावा कर रही है। सिर पर पट्टी बंधा यह युवक है बुलंदशहर के भदौरा का रहने वाला जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा अपनी बहन के साथ जाडोल में एक शादी समारोह में शिरकत करने गया था। आज सुबह इसी बाइक पर सवार होकर भाई बहन शादी समारोह से वापस अपने घर लौट रहे थे कि तभी रास्ते में सेंट्रो कार सवार 3 बदमाशों ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी और जितेंद्र से 20,000 रुपए की नकदी मोबाइल फोन लूट कर फरार हो गए और उसे बांध कर खेतों में फेंक दिया और नाबालिग छात्रा को कार में डालकर अपहरण कर फरार हो गए। क्या नाम है भाई? मेरा नाम जितेंद्र है। क्या घटना है? सर मैं जाड़ोर से चलो मेरे जम्मे थे अपनी बुआ की धीपती लेके, पीछे थे मेरे टक्कर मारी, 4 पहिए की गाड़ी है, 4 पहिए की टक्कर मारती मैं सड़क पर गिर गया। मेरी बहन को वहाँ को पैर दब रो, जैसे मैं वहाँ पैर निकालने चलो तो वो हैं और वह लड़की नीचे धक्का मारती हूँ खेत में। नीचे धक्का मारने के बाद में जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ तो मेरे सिर ने उन्हें कोई लोहे की चीज़ मारी, उसके बाद में मेरे खून निकले लगे। फिर उन्हें मैं लड़की को या भर राखी लड़की मेरी, हम भैया भैया करते हैं, वे नहीं माने, खेत ने ला के मुझे बोले कितने रुपये तो पे भैया मुझे 20,050 रुपये बोला ला, मैं 20,050 रुपये दे दिए, अपने मोबाइल दे दियो। वाके बाद में उन्हें मुँह माल लगाई है, माल लगाने के बाद में सर मैं ईंख ने ले जाके बांध के गिर दी हूँ। मेरी बहन गेहूँ के खेत नहीं राखी है मेरी, मैं बोलो भैया वो गोली मार दो पर मेरी बहन छोड़ दो। वे बोले नाम तेरी बहन ना मार रहे, हमें तलाशी ले रहे हैं। मैं बोलो भैया वापस रुपया ना, जितने रुपया है मुझे दे दिए, तुम्हें मोबाइल दे दियो। वाके बाद में सर उनने मैं बांध के गिर दियो, वो 4 जने मेरी बहन के घर पहुँच गए। मैं वहाँ से खोल के हौले हौले बैठ बैठ के पूरे नमाई को चल दिया हूँ। मैं चलने के बाद में मैं रोड पर पहुँचो, रोड पर जब तक मैं पहुँचो जब तक उनकी गाड़ी वहीं खड़ी रही। सूधे हाथ में उतर के जब खेत में कर पुराना गाँव में पहुँचा, वहाँ जाकर मैं बताया घर ऐसे ऐसे बात है। वहाँ के बाद में जब हम यहाँ गांव के लोगों ने मैं लेकर आया, यहाँ कोई नहीं मिला, उन्होंने मोटरसाइकिल है वो नीचे फेंकी है। नाम नाम के लोग भी ये 4 लोग हैं। पहचान में आया कोई? नहीं, मेरी पहचान में कोई नहीं आया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रोनी सलोनी रहने वाला हूँ। शादी में आए थे? मैं शादी आया सर यहाँ। शादी कहाँ पर थी? शादी कुरैना है शादी, और जरूर मैरिज होम में लड़की की बराबर है। तो रात अपने घर लौट के जा रहे थे तुम? कैसे? मैं नहीं कुरैना जा रहा, अपनी बुआ के वहाँ शादी में लौट गए। हाँ जी शादी में लौट गए। तो पैसे भी लूट गए आपसे? हाँ 20,050 रुपया और एक मोबाइल। वही पीड़ित की माने तो वो बदमाशों के सामने अपनी बहन को छोड़ने के लिए काफी गिड़गिड़ाया मगर अपहरणकर्ता नहीं माने और छात्रा को उठा ले गए। मामले की जानकारी पाकर पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और 3 अपहरणकर्ताओं के खिलाफ अपहरण, पॉस्को एक्ट और लूटपाट का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ करने का दावा किया है। चलो क्या मामला है, घटना क्या हुआ है? मामला सुबह कल दिन में शादी थी, रात को जैसे कि लोग 11-12 बजे के बाद हम लोग अपनी बहन बेटी को लेकर घर आ रहे हैं कुरैना में, तो आगे पीछे जैसे हो जाते हैं वो लड़का लड़की आगे पीछे हो गए, वहाँ संदिग्ध लगे होंगे उसमें, उन्होंने इनको यहाँ पकड़ा है, मार पीट करके कैसे इसके वहाँ को ले गए, लड़के को बांध गए, गंभीर चोट है और लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं है। सुबह 6 बजे से प्रशासन हमसे ये कह रहा है कि हमने लड़का बरामद कर लिया है और 2 कर लिए बरामद, और हमारे धैर्य की इतनी वो ये जो है परीक्षा ले रहे हैं प्रशासन के, अभी तक खाली यूँ कह रहे हैं कि हमने लड़के को बरामद कर लिया है एक मुलजिम को। अब हम ये कह रहे हैं प्रशासन से जरा हमें उस मुलजिम की शक्ल तो दिखा दी जाए, और यही हमारी मांग है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से हटेंगे नहीं, और ये एक हमारे समाज के ऊपर इन लोगों का तमाचा है जो हमारे जगन ने ये दुर्घटना की है, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम सब लोग आमरण अनशन पे यहाँ 12 बजे के बाद बैठने वाले हैं।
क्या नाम है आपका? आरती भारद्वाज, रामपाल शर्मा निवासी पूरे नाम हाँ। एक लड़की थी जो भदौरा की खान थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली थी। कल रात वो अपने एक रिश्तेदारी में शादी में आई थी, फिर वो अपने एक रिश्तेदार के साथ युवक के साथ जा रही थी अपने घर को रात में 11 बजे। तो इनका कहना है कि जो है 4 युवकों ने जो है इनका अपहरण कर लिया, अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। क्यों कोई गिरफ्तार है? हाँ, इन्होंने 3 अभियान किया है जिसमें 2 से ही पूछताछ कर रहे हैं। बहरहाल अब देखना ही होगा कि पुलिस कब और कैसे युवती को सकुशल बरामद करती है।